सो और मेरे डेड सब्सक्राइबर्स, कैसे हो तुम सब? चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हो पर वीडियोस तो देखते हो नहीं, तो डेड सब्सक्राइबर हो तुम। लेकिन यार इस बारे में बात हम ना बाद में करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसी क्रिएशंस और बिल्ड्स के बारे में जिनको देख के तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। इन सभी बिल्ड्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से इनका मैप भी डाउनलोड कर सकते हो। और जिन क्रिएटर्स की वीडियो मैं यूज कर रहा हूँ उनका क्रेडिट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उनका चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो। सो यार अगर तुम मेरे चैनल में नए आए हो तो मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ माइनक्राफ्ट के और लॉन्ग वीडियोस भी डालता हूँ, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। और बढ़ते यार आज की इस वीडियो की साइड। तुम सब लोगों ने अपने बचपन में हैरी पॉटर तो देखा ही होगा यार, ये इतनी अमेजिंग मूवी थी, इसमें इतना सारा मैजिक था और बहुत कुछ था। लेकिन इसी सोच को आगे ले जाते हुए एक बंदा आया और उसने क्या किया, पूरा का पूरा हॉगवर्ट्स बना डाला माइनक्राफ्ट में। और जिस बंदे को हॉगवर्ट्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हॉगवर्ट्स वो जगह थी जहाँ पे हैरी पॉटर पढ़ने जाता, मतलब उनका स्कूल था, बट ये मैजिकल स्कूल है और इसकी बिल्डिंग्स तो तुम देख ही सकते हो कितनी बड़ी बड़ी है। ये मैप जितना प्यारा बनाया ना उस बंदे ने, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हैं, तुम खुद देख सकते हो यार, हर एक बारीक चीज का काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। जहाँ पे वो पढ़ते थे, जहाँ पे वो खाना खाते थे, उनका हर एक चीज का इसने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा है। और ये टॉर्च जिस हिसाब से इसने हवा में लगाई हुई है ना, बिल्कुल ही मैजिकल फील आ रही है। इस मैप पे इसने काफी अच्छे से डेकोरेट किया, जैसे ईस्ट विंग अलग बताया, वेस्ट विंग अलग बताया, और जहाँ पे उनके टूर्नामेंट्स होते थे वो जगह तो तुम्हें पता ही होगी। और ये वाला पार्ट तो तुमने जरूर देखा होगा जब हैरी पॉटर भाग के जा रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे वो वोल्डेमॉर्ट पड़ा होता है। हाँ वही वोल्डेमॉर्ट जिसकी यार नाक नहीं होती है, वो कुछ अलग ही करेक्टर था। और तुमने ये वाला पेड़ तो तुम्हें याद ही होगा जिसके बीच में मतलब थोड़ा मैजिकल ट्री है, ये खुद ही बड़ा हो जाता था, तो इसने ये भी बनाया हुआ है। यहाँ पे इसकी लेक या पॉन्ड जो भी तुम कह सकते हो, और ये स्पोर्ट्स वाला एरिया तो मेरे को बड़ा ही प्यारा लगा यार। देखो यार हर एक पिलर्स वैसे के वैसे बनाए हैं, सो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले दिखाया क्योंकि ये मैप बहुत अमेजिंग है। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर टू की साइड। सो इस बंदे ने सोचा कि मैं आईफोन ले तो नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ अपने लिए खुद ही बना डालता हूँ। तो इसी सोच को, पावन सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ आईफोन। और ये जो तुम पीछे देख रहे हो ना, ये इसके कंपोनेंट्स है। इसमें इसने कम से कम 1000 से 2000 कमांड ब्लॉक्स का यूज किया है, तब जाके ये आईफोन बना है। और इन कमांड ब्लॉक्स की हेल्प से ये फोन आपको एनिमेशन दिखाता है जो कि कुछ एक्सट्रीम लेवल की होती है, मतलब इसमें जितने भी एप्स हैं वो सारे के सारे वर्किंग एप्स हैं। और इसको ओपन करने के लिए तुम्हें इसे स्लाइड करना पड़ेगा, देन इसमें तुम अपने हिसाब से पासवर्ड भी सेट कर सकते हो कि ताकि तुम्हारे अलावा कोई खोल ही ना पाए। मतलब सिक्योरिटी देख रहे हो यार अलग लेवल की है, अपने हिसाब से पासवर्ड सेट करो, अब ये फोन तुम्हारा है, इसको कोई ओपन कर ही नहीं पाएगा। और ये जितने भी तुम्हें सामने या एप्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे चलते हैं, तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊंगा जर्नल पे, और जर्नल पे मेरे को मिलेंगे फोन के लिए बहुत सारे कवर। जी हाँ ये इन बिल्ट कवर है, मतलब तुम्हें रेड वाला चाहिए तो पूरे फोन का कलर रेड हो जाएगा। और इसमें एक गेम भी है ये बोर्ड वाली जो कि तुमने जरूर खेली होगी। इसको चलाना भी बहुत सिंपल है, बस तुम्हें अपना स्पेस या मतलब कोई भी कीबोर्ड में बटन दबाना है और ये बर्ड उड़ेगा, और तुम्हें इसे बिना टकराए आगे तक ले जाना है, और ये स्कोर्स भी काउंट करेगा तुम्हारे जितने तुमने बनाए। तो सोच लो यार इसकी इमेजिनेशन कौन से लेवल में पहुंची थी, इतना सब कुछ करना एक फोन के अंदर मेरे को तो नहीं लगता पॉसिबल है। इसमें यहाँ तक इसने वेदर भी बताया हुआ है, वेदर बताएगा मतलब 25 डिग्री सेल्सियस फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक का। लेकिन अगर तुम शाम करते हो मतलब नाइट टाइम, तो तुम्हारा टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये हो जाएगा सीधे 10 डिग्री सेल्सियस। सो यार गेम में इतनी बारीक बारीक चीजें ऐड करना काफी बड़ी बात है। तो बढ़ते यार हमारे अगले इन्वेंशन की तरफ जो की है एक सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर काफी ज्यादा बड़ा है और इससे ज्यादा बड़ा है इसके कनेक्शन रेडस्टोन के। तुम देख सकते हो जहां भी तुम्हारी नजरें जाएंगी वहां पे रेडस्टोन ही रेडस्टोन है, तब जाके ये बना है। और इसको बनाने के लिए पता नहीं बंदे को कितने ही साल लगे होंगे। और ये इतना मैसिव है कि इसको तो तुम देखोगे और तुम परेशान ही हो जाओगे थोड़ी देर के लिए कि भाई आखिर बनाया क्या है। और इसमें काफी सारी कमांड्स है जैसे कंप्यूटर ऑन ऑफ और कंप्यूटर को स्लीप करने की। और मैं एक दो कमांड चला के दिखाता हूँ, जैसे तुमने कंप्यूटर को स्माइल कराना हो या तो इसको थोड़ा सैड फेस बनाना हो तो ये वो भी बना देता है। ये इन्वेंशन तो काफी मस्त है, लेकिन इससे ज्यादा जो बढ़िया चीज लगी वो है एक वर्किंग कैलकुलेटर। यार माइनक्राफ्ट में कैलकुलेटर भी बना दिया, मतलब कुछ भी बना रहे हैं यार लोग। और इसका भी रेडस्टोन कनेक्शन तो इतना लंबा है कि देखते ही परेशान हो जाओगे, हर तरफ रेडस्टोन, हर तरफ यार। और क्या ही क्रिएटिविटी से बनाया वो, जैसे 123 + 57 ये तुम्हें इसका आंसर निकाल के दे देगा। लेकिन यार प्लस माइनस तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ऐसी चीज है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि मल्टीप्लाई करने से काफी बड़ा नंबर आता है, तो ये वो भी निकाल देता है। हाँ थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन निकाल देगा। डिवाइड इज ज्यादा टफ इसलिए क्योंकि इसमें बीच में पॉइंट्स भी आते हैं कुछ बड़े टर्म्स की वजह से, तो ये वो भी बता देता है 2.15 आया जैसे इसका आंसर।
और जो फिफ्थ चीज है ना, मेरे को लगा कुछ धमाकेदार बताना चाहिए, तो इस मशीन का नाम है सुपर क्वेरी। ये मशीन सुपर इसलिए क्योंकि अपने आसपास के आने वाले हर एक इलाके को तबाह करके चल जाती है, मतलब ये हर एक ब्लॉक को सिवाय ऑब्सिडियन और बेडरॉक के सब कुछ तोड़ देती है। तो चलो यार मैं तुम्हें इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझाता हूँ। सबसे पहले ये क्या करती है, तुम्हारे सामने एक बड़ी सी दीवार होगी, इसके आसपास के हर एक ब्लॉक को ये ऊपर ले जाएगी बिल्कुल टॉप पे, देन उसको ये थोड़ा सा राइट पुश करेगी एक एक करके, ताकि इसके सामने जो मतलब इसकी कैनन्स लगी हुई है ना वो TNT लॉन्च करती है, और TNT से ब्लॉक्स फूट जाते हैं और वो जमा कर लेती है उन्हें चेस्ट पे। लेकिन बेडरॉक और ऑब्सिडियन इनके सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कैसे यार कुछ ग्लिच वगैरह का यूज करके वो भी तरीका ढूंढ लिया, अब ये बेडरॉक और ऑब्सिडियन को भी नहीं छोड़ते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं ये बिल्कुल ही तबाही। तुम्हें सिर्फ कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ बेडरॉक और लावा दिखेगा। तो यही था यार आज की इस वीडियो में। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, तुमने लास्ट तक देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब मार लो यार। मेरा भी चैनल छोटा सा है, पर फिर भी हम बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाएंगे और एक दिन इसको बढ़िया ग्रो करेंगे।